ऑनलाइन सीखने का तरीका जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो दोस्तों, क्या आप मी का प्रोडक्ट यूज करते हैं? अगर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है, चाहे वो फोन हो, टीवी हो, वाटर प्यूरिफाई या कोई भी तरह का एसेसरीज खराब हो जाता है, तो किस तरह से आप उसको रिपेयर करवा सकते हो वारंटी पे है तो। और अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाए तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और अगर आपका टीवी हो, वाटर प्यूरिफाई या कुछ अदर एसेसरी जहां पर इंजीनियर को आपको घर में बुलाना पड़े, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। दोनों ही केस में फॉर्म एक ही है, ये किस तरह से आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता है आज मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन शिक्षा अभियान पे, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से मी का वारंटी अवेल कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मी का वेबसाइट खोलना है, जो कि है mi.com/inindia का। खोलने के बाद अगर आप यहाँ पर नीचे साइड पे आओगे, नीचे के मेनू पे आओगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर्विस सेंटर। इसको क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर लिखा रहेगा आपका सर्विस सेंटर का नंबर दिया रहेगा, यहाँ पर कुछ प्राइस दिया हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ है बुक सर्विस अपॉइंटमेंट। नीचे पर एड्रेस दिया हुआ है सर्विस सेंटर ऑथराइज का, आपको यहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले भी आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक टैब खुल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर सर्विस और ऑनलाइन सर्विस। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया जाएगा चूज सर्विस टाइप, जहाँ से आपको ऑप्शन चूज करना है कि आपको ऑर्डर अपॉइंटमेंट चाहिए या सर्विस सेंटर अपॉइंटमेंट चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका फ़ोन है तो आपको जाहिर सी बात है आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, और टीवी, वाटर प्यूरिफाई या कोई बड़ा सामान है तो आपको ऑर्डर सर्विस मिलता है। तो चलिए मैं आपको दोनों ही स्टेटस में बता देता हूँ कि दोनों पे कैसा कैसा फॉर्म आता है। तो यहाँ पर अगर हम सर्विस सेंटर अपॉइंटमेंट का क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा कि आपने क्या लिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या एसेसरीज है। उसके बाद आपने कौन सा वेबसाइट से लिया, कहाँ से लिया, यहाँ पर आपको ये सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से क्लिक कर देते हैं कि ऑर्डर सर्विस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ ऑर्डर अपॉइंटमेंट, तो उसके बाद आपसे यहाँ पर ऑर्डर आईडी, सीरियल नंबर या उसका IMEI नंबर मांगा जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मी के वेबसाइट से ही खरीदेंगे तो ही आप ऐसे ले पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपके बिल पे रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक टीवी ख़रीदा था, उसका बिल के नीचे पे आपको यहाँ पर IMEI या सीरियल नंबर मिल जाएगा। उस सीरियल नंबर को मैं कॉपी करता हूँ, जैसे ही कॉपी करके मैं यहाँ पर डालूँगा और इसको सबमिट में क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा सारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आ चुका है, मैंने कहाँ से लिया था। अब उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा सर्विस टाइप में कि मुझे इंस्टॉलेशन करना है या रिपेयर करना है। बहुत सारे वेबसाइट में क्या होता है कि आप इंस्टॉलेशन करते समय वहाँ पर ही आपका बुक हो जाता है, या आप यहाँ पर भी आके इंस्टॉलेशन का बुक कर सकते हैं, जो कि पहला फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद अगर आपको रिपेयरिंग में जाना है तो आप रिपेयर में क्लिक करेंगे, पिन कोड अपना डालेंगे, एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर नियरेस्ट लैंडमार्क देना ज़रूरी है, यहाँ पर देख रहे हैं ये देना कंपलसरी है, ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सीरियल नंबर मिल जाएगा, कस्टमर नाम आपको देना है, ऑटोमेटिक सब आ चुका है। यहाँ पर आपको सिटी, स्टेट और क्या फॉल्ट हुआ है वो यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करके इसको सबमिट में करना है। तो जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करते हैं तो आपने जो नंबर दिया उस नंबर पे एक OTP जाएगा, जो OTP आपको यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो आप कभी भी सर्विस सेंटर पर फ़ोन करेंगे तो आपसे वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, या वो लोग खुद आपको कॉल कर लेंगे। तो इस तरह से आप मी का कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो इस तरह से आप अपना वारंटी को अवेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।